नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अतिक्रमण की आड़ में भरत कूप मंदिर में होती हैं चोरियां। अतिक्रमण करने वाले ने किया साधु व संतों से झगड़ा। भरत कूप का मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, जहां पर आए दिन श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। जहां पर लोग कूप स्नान कर व भरत जी का दर्शन कर श्रद्धालु चित्रकूट के लिए रवाना होते हैं, और हर माह की अमावस्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। वही मंत लखूसदास जी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रकूट धाम की 84 कोशी विहत परिक्रमा में 1000 साधु व संतों का भरत कूप में आज के दिन आगमन है। साधु व संत आज की रात्रि विश्राम भरत कूप मंदिर में ही करेंगे, जिनके उपलक्ष्य में आज के दिन साधु व संतों का भंडारा किया जाता है। वही महंत जी ने बताया कि अतिक्रमण की आड़ में चोरियां होती रहती हैं, जिसकी मैंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक अतिक्रमण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पेश है चित्रकूट से राधा बिहारी पाठक की एक खास रिपोर्ट। महंत जी, ये बताइए, जो ये जगह जगह अतिक्रमण फैला हुआ है, तो इसके पीछे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुकान लगाने वाले अतिक्रमण करते हैं, इसकी वजह से तीर्थयात्रियों को भी परेशानी होती है। इसके बारे में कई बार शिकायत किया गया, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने जांच पड़ताल किया, शिकायत सही पाई गई कि अतिक्रमण होता है। पुलिस ने हिदायत दे दिया कि दुकान इधर उधर न लगाएं, जो निर्धारित जगह वहीं पर लगाएं। उसके बावजूद भी ये लोग मानते नहीं हैं, और इसकी वजह से दुर्घटनाएँ भी होती हैं। अब आज 84 कोस परिक्रमा संत समाज की तरफ से आज होनी है। यहाँ पर पहला पड़ाव पड़ेगा, जिसमें से कि लगभग शाम तक में 1000 साधु संत आने की संभावना है। उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहीं भरत मंदिर की तरफ से कराई जा रही है। उन लोगों के लिए रखने के लिए, रुकने के लिए जो भी जगह है, वहाँ पर दुकान लगा रखी है। अगर हट जाते हैं बच्चों के, नहीं तो उनको परेशानी होगी। और यह भी हो सकता है कि जहाँ दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पर साधु संत अपना रात विश्राम करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहें, रात विश्राम करना चाहें, तो किसी तरीके का कोई लड़ाई झंझट ना हो। अच्छा, ये जो चोरी होती हैं, जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये अक्सर हो जाता है इसे ही कि जो श्रद्धालु आते हैं, वो नहाने के लिए चले गए, कपड़े अपने छोड़ करके, कि यहाँ CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, पुलिस का भी यहाँ पर बैनर लगा रखे हैं पुलिस ने, कि अपने सामान की खुद सुरक्षा करें, और आप CCTV कैमरे की नज़र में हैं। ये सब चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं, और जिन घटनाओं का कहीं ना कहीं संबंध अतिक्रमण करने वाले लोगों से भी ये होता है, कि उनकी वजह से कोई जो पहचान नहीं हो पाती है कि किन्होंने चोरी किया, क्योंकि जो लोग आते हैं इन्हीं के पास उठते बैठते रहते हैं, और मौका पा करके सामान उठा के चल देते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी लग जाते हैं, जिनके ऊपर कोई शक भी नहीं करता है।